Already under the scanner of the Income Tax Department, Himachal Pradesh Chief Minister Virbhadra Singh faced more trouble as CBI raided his residence in Shimla and also his other 13 properties. According to reports, the Central Bureau of Investigation has recovered some documents including hard disk and pen drives in the raids that continued for about 10 hours. The raids came on a day when Singh's daughter Minakshi Singh was getting married. When the 30-member CBI team arrived at his private residence, Holy Lodge, Singh and his wife were leaving for the wedding ceremony at a local temple. Meanwhile, Congress leaders blamed BJP for framing the case against him and called it a political vendetta. किसी पार्टी का भी हुई है इस तरीके से अगर कार्रवाई करने से तो वो हाई कोर्ट का फैसला इंतजार कर लेते इनकम टैक्स का फैसला इंतजार करके फिर एक्शन लेते तो मान्यता थी उसकी लेकिन अभी तो बीच में इन्होंने जो रेड करवाया है इसमें कोई इसका औचित्य नहीं था मैं कहता हूँ अदालत ने ही ये फैसला दिया है कि सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाए और सीबीआई की ये रेड अदालतों के आदेश के बाद ही आई है तो करेंगे लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये तो कार्रवाई कर दी इन्होंने लेकिन कुछ और भी हमारे भारतवर्ष में और भी गणमान्य व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री हैं दूसरी स्टेट्स के उन पर भी केसेस जो है वो नहीं चला रहे हैं वो केसेस उसकी क्या वजह है वो सेम ऐसे ही है उनकी करप्शन जो है तो उसमें एक समान जो है वो लग रहा है कि एक समान जो राजनीति नहीं हो रही है और एक आदमी को हरास करने के लिए और पार्टी को डाउन करने के लिए कर रहे हैं राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को घसीटें और ये करें जब कोई इनके ऊपर केस है केस आएगा और कोई चीज़ निकलेगी तब उस वक्त कहा जा सकता है कि ठीक है ये ठीक नहीं थे विधानसभा चुनाव जब हुए थे उसमें देश के जो आज प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी उन्होंने उन पर आरोप लगाए थे और उन आरोपों के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था मैटर सब जुडिस है बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज 8 बजे अपनी बेटी की शादी में जा रहे थे तो उन्हें सीबीआई वाले मिले घर के पास पहुंचे और कहा कि हम आपके यहाँ सर्च वारंट लेकर आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ध्यानपूर्वक बात सुनी और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी में जा रहा हूँ आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं हमारा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मुख्यमंत्री हैं जिसमें शिवराज चौहान जी जो कि व्यापम घोटाले में उनकी सरकार और उनके अधिकारी सम्मिलित है चाहे वसुंधरा राजे जी है वो ललित गेट में फ्यूजिटिव मामले में सम्मिलित है जो भी उनके मुख्यमंत्री हैं उस चीज़ के पॉलिटिकल वेंडेटा को दिखाने के लिए ये सर्च वारंट और ये रेड की गई है पार्टी इसका विरोध करती है करेस्पोंडेंट हेमंत फ्रॉम शिमला फॉर एएनआई